भाई आप सभी का एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला नंबर 47 भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 50 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया है। टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 50 रनों के बड़े अंतर से बांग्लादेश को हरा दिया। इस वीडियो में पूरा हाईलाइट आपको देंगे, मैच में क्या कुछ हुआ है, तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। मैच बड़ा शानदार रहा भारतीय टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मुकाबले की बात करें तो भाई बांग्लादेशी कप्तान कप्तान नजमुल हसन शंटो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन लगाए 5 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या टॉप स्कोरर रहे टीम इंडिया के लिए। इस मुकाबले की बात करें तो भारत के लिए रोहित शर्मा ने 23 रनों का योगदान दिया। विराट कोहली 37 रन बनाकर आउट हुए, 36 रन बनाकर पंत आउट हुए। शिव सूर्य कुमार यादव फिर खामोश हो गए। शिवम दुबे 24 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए हैं। हार्दिक पांड्या 27 में 50, 3 रन अक्षर पटेल ने बनाए, 196 रन बनाए। बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें तो बांग्लादेशी गेंदबाजों में मेहंदी हसन ने 4 ओवर में 28 रन, विकेटलेस रहे हैं वो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो शाकिब अल हसन 3 ओवर में 37, 1 विकेट। तंजीम हसन शाकिब 4 ओवर में 32 रन, 2 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान विकेटलेस 43 रन 3 ओवर में। रिशाद हुसैन ने 2 विकेट जरूर निकाले, 196 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 197 रनों की जरूरत थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश के लिए नजमल हसन शंटो एक बार फिर से 40 रनों की पारी खेलते हुए, लेकिन एक बार फिर से लगभग रन बॉल, 32 गेंदों में 40 रनों की पारी खेलते हैं, 146 पर 8 विकेट। और बांग्लादेश की टीम सिमट जाती है। 20 ओवर के कोटे में मात्र 146 रन ही बना पाई। लिटन दास 13 रन बनाकर आउट हुए। तंजीद हसन 29 रनों का योगदान देते हैं। तौहीद हिरदोए 4 रन बनाकर आउट हो गए। शाकिब अल हसन 11 रन, महमदुल्ला 13 रन, जेकर अली 1 रन, रिशाद हुसैन 24 रन, मेहदी हसन 5 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो वहीं तंजीम हसन शाकिब 1 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह इन दोनों ही गेंदबाजों ने दो दो विकेट निकाले हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें एक बार फिर सबसे बेहतरीन इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की उन्होंने, 3.20 की इकोनॉमी। हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट निकाला है 3 ओवर में 32 रन खर्च करके। रविंद्र जडेजा विकेटलेस गए हैं, तो वहीं कुलदीप यादव एक बार फिर शानदार गेंदबाजी, 4.80 की इकोनॉमी से 19 रन खर्च के 4 ओवर में, और 3 विकेट उनको मिला है। तो भाई जबरदस्त गेंदबाजी कुलदीप यादव द्वारा लगातार दो मैचों में लगातार अच्छी गेंदबाजी। भारतीय टीम के लिए शानदार गेंदबाजी कुलदीप यादव द्वारा और जसप्रीत बुमराह द्वारा, तो वहीं अर्शदीप सिंह को भी 2 विकेट मिली है। मुकाबला ये खेला गया एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में और इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 196 रन लगाए स्कोरबोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर। 197 रनों का लक्ष्य दिया और बांग्लादेश की टीम को 146 रनों पर ढेर कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने 50 रनों की बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। एक बार फिर से पूरा स्कोर कार्ड आपको बता देते हैं ऊपर से नीचे तक। तो भाई भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 196 रन लगाए, और ये माफी चाहूंगा मैं, ये बिजली चले जाने की वजह से ये अंधेरा हो गया है। पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो ये लाइट कट गई है इस वजह से अंधेरा हो गया, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। बहरहाल मैच पर वापस से आ जाते हैं। तो रोहित शर्मा ने 11 गेंदों में 23 रनों का योगदान दिया। कोहली की बात करें, विराट कोहली ने 28 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, 1 चौका और 3 छक्के उन्होंने लगाए। ऋषभ पंत की बात करें तो 24 गेंदों में 36 रनों की पारी उन्होंने खेली, 4 चौके और 2 सिक्स उन्होंने लगाए। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने 2 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली। शिवम दुबे ने 24 गेंदों में 34 रनों की पारी, 3 छक्के उन्होंने लगाए। हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी खेली, 4 चौके और 3 छक्के। हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमने देखा आज के दिन 185.19 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है बल्लेबाजी की है। जबरदस्त बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या द्वारा, और इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बल्ले से अच्छा योगदान दिया है। हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी बल्लेबाज जो है वो
40 रनों के मार्ग तक नहीं पहुंच पाया। कलेक्टिव एफर्ट्स थे भाई, पंत ने 36 रन, 34 रन शिवम दुबे ने, 37 रन कोहली ने, 50 रन हार्दिक पांड्या ने, 23 रन रोहित शर्मा ने। तो भाई कलेक्टिव एफर्ट्स और टीम इंडिया पहुंच जाती है 196 रनों पर। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो। हमारे साथ देखिए बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं लेकिन वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो जरूर वीडियो को लाइक करके उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं आप लोग। कुछ नहीं जाएगा आपका, बस एक सेकंड जाएगा। वापस से मैच पर आ जाते हैं। बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें तो मेहदी हसन ने 4 ओवर में 28 रन खर्च किए और विकेटलेस रहे। शाकिब अल हसन 3 ओवर में 37 रन, 1 विकेट। तंजीम हसन शाकिब की बात करें तो 4 ओवर में 32 रन, 2 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर में 48 रन, विकेटलेस रहे। रिशाद हुसैन की बात करें 3 ओवर में 43 रन, 2 विकेट। महमदुल्ला की बात करें तो 2 ओवर में 8 रन और वो विकेट लेस रहे हैं। बांग्लादेश को इस मुकाबले को जीतने के लिए 197 रनों की जरूरत थी, 146 रन ही बना पाई, 50 रनों से इस मुकाबले को गवा दिया। लिटन दास 10 गेंदों में 13 रन, 1 चौका, 1 सिक्स, 130 की स्ट्राइक रेट। माफी चाहूंगा। तंजीद हसन की बात करें तो 31 गेंदों में 29 रन, 4 चौके, 93.55 की स्ट्राइक रेट। नजमुल हसन शंटो की बात करें तो 32 गेंदों में 40 रन, 1 चौका और 3 सिक्स, 125 की स्ट्राइक रेट। तौहीद हिरदोई की बात करें तो 6 गेंदों में 4 रन। शाकिब अल हसन की बात करें तो 7 गेंदों में 11 रन बनाकर शाकिब अल हसन जो है वो आउट हुए हैं। 1 चौका और 1 सिक्स उन्होंने भी लगाया। महमदुल्ला की बात करें तो 15 गेंदों में 13 रन बनाकर वो आउट हुए। जेकर अली की बात करें तो 4 गेंदों में 1 रन बनाकर वो आउट हुए हैं। रिशाद हुसैन की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी की, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में अगर कोई आपका बल्लेबाज 10 गेंदों में 24 रन बनाए, 3 छक्के और 1 सिक्स लगाए तो फिर वो अच्छी ही बल्लेबाजी कंसीडर होती है। टीम को जीत तो खैर क्या ही दिला पाते, चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो चुकी थी, बहुत पहले ही हो गई थी। मेहदी हसन की बात करें तो मेहदी हसन 5 रन बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। तंजीम हसन शाकिब की बात करें तो 1 गेंद में 1 रन उन्होंने बनाया है। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 4 ओवर में 30 रन उन्होंने लगाए, 2 विकेट उनको मिला है। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 13 रन, 2 विकेट उनको मिला है। अक्षर पटेल 2 ओवर में 26 रन, विकेटलेस रहे। हार्दिक पांड्या की बात करें तो 3 ओवर में 32 रन, 1 विकेट उनको मिला है। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 24 रन, विकेटलेस रहे हैं। कुलदीप यादव 4 ओवर में 19 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण और 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। शाकिब अल हसन, महमदुल्ला और जेकर अली, नहीं माफी चाहूंगा, कुलदीप यादव तो ने, शाकिब अल हसन, तौहीद हिरदोई और तंजीद हसन। तो भाई सारे बल्लेबाजों के विकेट लिए हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है। अब इस मुकाबले में आप कमेंट करके बताइए किसे मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और नन अदर देन हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया है क्योंकि हार्दिक पांड्या का इंपैक्ट जो है वो इस मुकाबले में बड़ा इंपैक्ट था। 50 रन उन्होंने बनाए थे 27 गेंदों में। जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए थे तब आप देखो 165 पर 5 विकेट गिर गए थे और उसके बाद उन्होंने धुनाई की है भाई। हैमरिंग हैमरिंग वाले शॉट उन्होंने खेले भाई, 3 छक्के, 4 चौके, 7 बॉल तो 27 में से 7 बॉल तो उन्होंने बाउंड्री के पार ही पहुंचाया है। तो भाई जबरदस्त बल्लेबाजी और इम्पैक्ट जिसका ज्यादा बड़ा होता है उसी को प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो चुना जाता है। तो भाई ये तो हम हर कोई जानता ही है। बाकी देखिए अगर आप मैच की बात करेंगे तो इस मुकाबले में 50 रनों की बहुत बड़ी जीत टीम इंडिया ने दर्ज की है और आप लोग के सामने लाइट कटा, आप लोग के सामने लाइट आ गया। तो भाई देखिए टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 196 रन लगाए। टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 27 गेंदों में 50 रन, 34 रन शिवम दुबे, 24 में 36 ऋषभ पंत, 28 में 37 विराट कोहली, 11 में 23 रोहित शर्मा। अब अगर आप बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें तो बांग्लादेशी गेंदबाजों में मेहदी हसन ने 4 ओवर में 28 विकेट लेस, शाकिब अल हसन 3 में 37, 1 विकेट। तंजीम हसन शाकिब 4 में 32, 2 विकेट। मुस्तफिजुर रहमान 4 में 48 विकेट लेस। रिशाद हुसैन 3 में 43, 2 विकेट। महमदुल्ला 2 में 8 विकेट लेस। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेशी टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 197 रनों की जरूरत थी और बांग्लादेश की टीम 146 रनों पर रुक गई।
सिमट नहीं गई, रुक गई। 20 ओवर के कोटे में 8 विकेट गवा दिया और 146 रन ही बना पाई। लिटन दास 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। तंजीद हसन 31 गेंदों में 29 रन, 4 चौके उन्होंने लगाए। नजमल हसन शंटो 40 रन, 32 गेंदों में। तौहीद रिदोई 6 गेंदों में 4 रन। शाकिब अल हसन 7 में 11, महमदुल्ला 15 में 13, जेकर अली 4 में 1, रिशाद हुसैन 10 में 24, मेहदी हसन 4 गेंदों में 5 रन, तंजीद हसन शाकिब 1 रन बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करें हम लोग तो ग्रुप वन की ये दोनों टीमें हैं। अभी बांग्लादेश की टीम जो है वो लगभग लगभग बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश की टीम लगभग लगभग बाहर हो चुकी है क्योंकि इंडिया लगभग लगभग क्वालिफाई कर चुकी है। अभी इंडिया क्वालिफाई नहीं हुई है, बांग्लादेश अभी बाहर नहीं हुई है। भारतीय टीम दो मैच खेल चुकी है, 2.4 पॉइंट है, नंबर 1 पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1 मैच खेली है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल किया था और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है अभी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर यूएसए नहीं है, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अभी तक जीत का खाता जो है नहीं खोल पाई है। और चौथे नंबर पर जो है आपकी बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश की टीम जो है 2 मुकाबले खेल चुकी है और दोनों मुकाबलों में हार का सामना किया। तो भाई लगभग लगभग बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की टीम। अब अगर अफगानिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तब जाके कोई बात जो है बन सकती है आपकी।